डियर स्टूडेंट, अपनी जो फिफ्थ जो वाटर लॉगिंग यूनिट को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में। देखें, एक्चुअली हम पिछले टॉपिक में जो बात कर रहे थे कि जो वाटर लॉगिंग के जो रीज़न होते हैं उसके नेचुरल और आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड रीजंस के बारे में हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे। तो हमने नेचुरल रीज़न को डिस्कस किया था और आर्टिफिशियल रीज़न को डिस्कस किया था। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है कि जो वाटर लॉगिंग जो होती है उसके असरात किस तरह से नज़र आते हैं, क्या क्या उसके प्रभाव होते हैं, उनको उनके बारे में। जैसे कि हमने इससे पहले क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होता है, वहाँ की एक जो एटमॉस्फेयर होता है आसपास का, उसके पास जो भी एक तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्डअप है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट था वो था जो क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी नेगेटिवली उससे मुतासर होती है, उससे प्रभावित होती है। और एक जो जो एक ऑक्सीजन की एक जो सर्कुलेशन होता है वो भी रुक जाती है, जिससे जो एनारोबिक जो कंडीशन होती है वो डेवलप होने लगती है उस एरिया में। देखते क्या है, देखिए, फसलों पर जलमग्नता का प्रभाव काफ़ी हानिकारक होता है, ये निम्न प्रकार है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनमें वो जो प्रभाव होता है नेगेटिव इफ़ेक्ट उसको समझाने की इसमें कोशिश की गई है। देखते हैं, देखें, पहला है कि एनारोबिक कंडीशंस, जलमग्न क्षेत्र में जो मृदा रंध्र पानी से संतृप्त रहते हैं, सामान्य मृदा में ये रंध्र वायु से भरे रहते हैं। जो जनरली जो जो आप जो सॉइल पार्टिकल होते हैं उसमें आप जानते हैं वर्ड्स होते हैं उसमें, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन में वाटर लॉगिंग जब नहीं होती है तो इन वर्ड्स के अंदर ऑक्सीजन भरी होती है जो क्या करती है, जो फसलों को जो सब्सटेंस चाहिए, जो भी ज़रूरी चीज़ें चाहिए ग्रोथ करने के लिए वो प्रोवाइड होते हैं उस तरह से। तो क्या कह रहे हैं कि जलमग्न क्षेत्र में मृदा रंध्र पानी से संतृप्त रहते, संतृप्त रहने का मतलब है कि वहाँ पे टच में रहते हैं और सेचुरेशन उसकी मात्रा भी ज़्यादा पानी में रहते हैं। मृदा सामान्य मृदा में ये रंध्र वायु से भरे रहते होते हैं, अतः जलमग्न क्षेत्र में वायुजीवी जीवाणु एरोबिक बैक्टीरिया वायु की अनुपस्थिति में निष्क्रिय हो जाते हैं अथवा मर जाते हैं। वायु की उपस्थिति में ये जीवाणु मृदा एवं खाद में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को वो नाइट्रेट में बदलते हैं। अब इनकी जो उपयोगिता है वो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के द्वारा हमें पता लगती है, बदल देते हैं जो नाइट्रेट में बदलते हैं और बदल देते हैं जो पौधों का मुख्य भोजन होता है। अतः जल लग्नता के कारण वायु की अनुपस्थिति में नाइट्रेट का बनना रुक जाता है, जिससे पौधे मुरझाने लगते हैं। ज
अब देखते हैं जल जलीय पौधों की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। जल लग्नता के कारण कृषि युग्य भूमि दलदली भूमि पर बदल जाती है, और जिससे होता क्या, जो वीड्स जिसको बोलते हैं, इस भूमि में खरपतवार एवं जलीय पौधे अत्यधिक मात्रा में उगाते हैं। ये पौधे मृदा में उपस्थित उपजाऊ तत्वों को पहले ही ग्रहण कर लेते हैं। तो होता क्या है, जब हमारी कोई फसल है, ये कोई खेत है, तो उसमें जो ये कोई फसल है उसमें जो अननेसेसरी वाटर लॉगिंग की वजह से जो खरपतवार उगाएगी वो भी ग्रो करेगी। तो इसमें जो जो नरिशमेंट के जो पोषक तत्व होंगे वो मिलना किसको चाहिए थे, एक्चुअली वो मिलना हमारी फसलों को चाहिए थे, लेकिन वाटर लॉगिंग की वजह से हमारी जो खरपतवार अपने खुद के ग्रो करने में उन जो जो पोषक तत्व हैं उनका यूज़ कर लेती हैं, जिससे इसके लिए जो पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। वो यही बोला गया है फिर कि जल लग्नता के कारण कृषि योग्य भूमि दलदली भूमि में परिवर्तित हो जाती है। इस भूमि में खरपतवार व जलीय जलीय पौधे अत्यधिक मात्रा में उग आते हैं। ये पौधे मृदा में उपस्थित उपजाऊ तत्वों को पहले ही ग्रहण कर लेते हैं तथा मृदा को अनुपजाऊ बना देते हैं, जिससे इस मृदा में बोई गई फसल नष्ट हो जाती है। देखें, कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल साल्ट, जो लवणता, जो हार्मफुल जो लवण है उनकी लवणता बढ़ जाती है, किस तरह से हानिकारक लवणों का। और बेसिकली जब भी जब किसी भी एरिया की जब अगर जो लवणता बढ़ जाती है तो वहाँ पे जो उसकी जो उपजाऊपन है तो फर्टिलिटी वो जाती रहती है, और जिसके नतीजे में वो जिसे कहते हैं कि एक ऊसर भूमि, आपने सुनी होगी, ऊसर भूमि की शक्ल अख्तियार कर रहती है। तो वो ज़्यादा जो अत्यधिक जो लवण है उसकी वजह से होता है। हालांकि उसको जो कैल्शियम वगैरह का यूज़ करके काफ़ी हद तक टैकल किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या है, जल लग्नता के कारण पानी में घुले हुए लवण जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, देखें लवण में यही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सोडियम के तत्व, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट केशिकी क्रिया द्वारा पानी के साथ ही मृदा की सतह पर भी आ जाते हैं। जब मृदा सतह पर पानी वाष्पीकृत हो जाता है तब ये लवण मृदा सतह पर ही एकत्रित हो जाते हैं। जब कहने का मतलब है कि जब एवेपोरेशन के नतीजे में पानी तो एवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो लवण होते हैं वो सरफेस होती है उस पर ही रह जाते हैं। सतह पर इन लवणों का अत्यधिक सांद्रण मृदा के को एल्कलाइन बना देता है। देखिए, तो जो कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन को ऐसे ही समझे, मात्रा एक्चुअली उसका बढ़ना ही है। तो वो करता क्या है, जो जो मृदा की जो एक जो प्रोफाइल होती है वो प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है, वो एल्कलाइन ही हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो पीएच वैल्यू 7 से अबव रहती है, इनमें पौधों का विकास नहीं होता। सांद्रण, क्षारीय सांद्रण से पीएच, मृदा का पीएच मान बदल जाता है। जब मृदा का पीएच मान 7 से 8.5 तक होता है तब मृदा का उत्पादन सामान्य होता है। देखें क्या पीएच क्या बताया गया है, अगर ठीक ठाक सही से सामान्य अगर प्रोडक्टिविटी हमें फसलों की लेना है तो पीएच कितना रहना चाहिए, 7 से 8.5 तक रहना चाहिए। 7 पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और
1.5 तक वेरी कर सकता है। जब फसल का उत्पादन सामान्य होता है तब ये 8 से 9 होता है, तब उत्पादन घट जाता है। और जब ये देखें पीएच बताया गया कि 8 से जब ज़्यादा एल्कलेनी हो जाता है, ज़्यादा जब क्षारी हो जाती है सॉइल, तो प्रोडक्शन उसका घट जाता है। तथा जब 11 तक पहुंच जाता है तो जो ज़मीन है, जो मृदा है, वो कैसी हो जाती है, वो इनफर्टाइल या फिर अनुपजाऊ या फिर ऊसर या फिर बंजर, ये सभी उसी के सिनोनियम हैं। अब देखते हैं जो हमारा टॉपिक है वो है जुताई में कठिनाई। जुताई में कठिनाई देखते हैं क्या है, वाटर लॉगिंग के जो इफ़ेक्ट की एक्चुअली हम इसमें बात कर रहे हैं, तो एक जो इफ़ेक्ट होगा वो क्या है, जुताई में कठिनाई का सामना होगा, डिफ़िकल्टी इन कल्टीवेशन, जल लग्नता के कारण खेतों की जुताई व अन्य कार्य करने में काफ़ी कठिनाई होती है, और जब पानी मृदा सतह से ऊपर आ जाता है तो ये कार्य असंभव हो जाता है। जल लग्नता के कारण मृदा कणों का तापमान कम हो जाता है, कम तापमान पर मृदा में उपस्थित वायुजीवी जीवाणुओं की सक्रियता घट जाती है, जिसके कारण पौधों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रेट नहीं मिल पाता, जिससे पौधों की बढ़त रुक जाती है तथा फसल का उत्पादन कम हो जाता है। नेक्स्ट, डिसीज ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स को बीमारियां लगने का भी अंदेशा बढ़ जाता है। निम्न ताप व खराब वातन एरेशन से फसलों में कुछ बीमारियां लग जाती हैं जो फसलों को नष्ट कर देती हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, किस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट ऑन कम्युनिटी हेल्थ देखते हैं। जल लग्न क्षेत्र का मौसम हमेशा नम रहता है क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर की वजह से ज़्यादा रहती ह्यूमिडिटी। इस क्षेत्र में जगह जगह पर स्थायी जलकुंड भी बन जाते हैं और मच्छरों के पनपने का सबब बनते हैं, साधन बन जाते हैं। इस प्रकार जलमग्न क्षेत्र का मौसम समुदाय के लिए हानिकारक होता है। फसलों का जो मेच्योरिटी जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाता है कि जितनी टाइम में फसलों को जनरली उसको पकना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो टाइम लेने लगती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, जो क्रॉप रोटेशन पूरा मुतासर होता है और प्रोडक्टिविटी भी मुतासर होती है उससे। देखिए फसलों में पकन काल में कमी, रिडक्शन इन मेच्योरिटी टाइम ऑफ क्रॉप, जल लग्नता के कारण फसलों का पकन काल घट जाता है तथा पौधों के विकास के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिससे फसल की पैदावार कम हो जाती है। अब जो हमारा टॉपिक है वो किस तरह से हम जो वाटर लॉगिंग है, ये जो इशू है, इसको हम डिटेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। टॉपिक है ये अत्यधिक रिसाव के कारण भौमजल धीरे धीरे ऊपर उठकर जब फसलों के जड़ क्षेत्र के समीप पहुंच जाता है तो पौधों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना आरंभ हो जाता है। इस समय चूंकि वायु भी जड़ों के संपर्क में बनी रहती है, इसलिए
प्रारंभ में फसलों की वृद्धि अधिक होती है, परंतु जब यही भौमजल, देखें कहने का मतलब ये है कि जब इनिशियली लेवल पर जब वाटर टेबल उसका बढ़ना इंक्रीज होता है, तो वो जो शुरुआती फेज़ होता है उसका, वो तो उसके लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि वो जो कमी होती है उसमें, उस टाइम पर वो कमी पूरी कर देता है। लेकिन जब ये सिचुएशन लगातार बनी रहती है, तो ये चीज़ वाटर लॉगिंग, वो फिर फसल भी उससे जो डेक्लाइन है ग्रोथ का, वो शुरू होना हो जाता है। देखें इस समय चूंकि वायु की जड़ों के संपर्क में बनी रहती है, इसलिए प्रारंभ में फसलों की वृद्धि अधिक होती है, परंतु जब यही भौम जल तल के जड़ क्षेत्र के ऊपर आता है, तब पौधों को वायु न मिल पाने के कारण फसलों का उत्पादन घट जाता है। जब फसलों की उत्पादन में इस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि वो क्षेत्र जलमग्न हो रहा है, जललग्न हो रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल के धीरे धीरे ऊपर उठने के कारण क्षेत्र में जलमग्नता धीरे धीरे, ओ शेट यार, जललग्नता धीरे धीरे विकसित होती है, धीरे धीरे फुनमना बढ़ती है। जब फसलों में पर्याप्त सिंचाई की मात्रा की गई हो तथा खाद भी पर्याप्त मात्रा में की गई हो, तो फिर भी यदि फसलों का उत्पादन कम हो अथवा फसल का जो मेच्योरिटी पीक, पकन काल कम हो जाए, तो ये स्थिति, देखें अब एक सिचुएशन इसमें बताई गई है, अगर वो सिचुएशन आपको दिखाई दे खेतों में, तो ये किस बात की तरफ इशारा होती है? ये इस बात की तरफ इशारा होती है कि जो क्षेत्र है वो जललग्न हो चुका है, वाटर लॉग्ड हो चुका है। इसके अतिरिक्त यदि क्षेत्र में भूमि सतह के ऊपर सफ़ेद लबड़ों की परत दिखाई देने लगे, तो ये भी जल लग्नता का सूचक है। परंतु जब भौम जल तल, ग्राउंड वाटर लेवल, भू सतह के बहुत पास आ जाता है, तो भूमि दलदली होने लगती है। और ये जो स्टेज है वो किस तरह की स्टेज है? वो पूर्ण जल लग्नता का सूचक है। इससे हमें समझ लेना चाहिए कि जो भूमि है वो पूर्ण जललग्न हो चुकी है। जललग्नता का पता लगाने के लिए ये आवश्यक है कि हमें भौम जल तल की गहराई ज्ञात हो। समय समय पर क्षेत्र में भौम जल तल की गहराई ज्ञात करने के लिए उस क्षेत्र में खुद हुए कुएं में पानी की गहराई याद करते हैं। यदि कुएं में पानी की गहराई लगातार कम हो रही है, तो ये समझ लेना चाहिए कि क्षेत्र में भौम जल तल ऊंचा उठ रहा है तथा क्षेत्र में शीघ्र ही जल लग्नता की प्रबल संभावना है। अब इसके रोकथाम है, प्रिवेंशन है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है? तो ये दो तरह के एक्चुअली यहाँ पे उपाय दिए गए हैं। एक तो है प्रिवेंटिव मीज़र, और दूसरा है, एक तो कुछ उपाय करके बच सकते हैं, और एक एक रेमेडियल कुछ चीज़ों का यूज़ करके। जो प्रिवेंटिव मीज़र्स हैं उसको हम देखते हैं। देखो प्रिवेंटिव मीजर्स क्या है,
ऐसे उपाय जो क्षेत्र में जललग्नता उत्पन्न नहीं होने देते प्रिवेंटिव उपाय कहलाते हैं। ये उपाय अत्यधिक उपयोगी तथा कम खर्चीले सिद्ध हुए हैं। देखें कौन कौन से उपाय हैं। वो नहर से रिसन पर नियंत्रण, जो नहर का पानी जो बहते हुए जो ग्राउंड वाटर में चेंज हो जाता है उस पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ सीपेज फ्रॉम कैनाल। अगर उपायों से नहर के रिसन पर नियंत्रण किया जा सकता है, वो उपाय दिए गए किस किस तरह से जो सीपेज है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखें क्या क्या है। देखें नहर का पूर्ण प्रदाय, प्रदाय का मतलब होता है सप्लाई, सप्लाई तल FSL नीचा कम करने से जो रिसन कम हो जाता है तथा रिसन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसा करने से कमांड क्षेत्र भी कम हो जाता है, परंतु किसी भी स्थिति में कमांड क्षेत्र कम नहीं होने देना चाहिए। लाइनिंग करके सीपेज को रोका जा सकता है जिसके नतीजे में जो वाटर लॉगिंग नहीं होती। देखें बाई लाइनिंग जो सेकंड पॉइंट है वो है बाई लाइनिंग द कैनाल सेक्शन, नहर की लाइनिंग करके उसकी सतह को अपारगम बना दिया जाता है जिससे रिसन नगण्य हो जाता है। ये बहुत ही सफल उपाय है। अब क्या है, जल रोधक नालियाँ बनाकर बाई मेकिंग इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स, अधिक भराव वाली नहरों में रिसन जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। इन नहरों के दोनों तटबंधों के बाहर नहर के समानांतर जलरोधक नालियां बना दी जाती हैं। ये नालियां नहर के आधार तल के नीचे बनाई जाती हैं तथा इनमें उचित जो स्लोप दिया जाता है। ऐसा करने से नहर का रिसन जल इन नालियों से होकर क्षेत्र से दूर निकाल दिया जाता है जिससे ये भौम जल में नहीं मिलता। और देन क्या है, बाय रिड्यूसिंग सीपेज फ्रॉम गूल्स, गूल में से जो सीपेज होता है उसको रोककर कच्ची गूलों से पानी का रिसाव अधिक होता है। ये प्रायः टूट जाती हैं, इनमें बहुत पानी भर जाता है जो रिसकर सीपेज में चला जाता है, अतः गूलों को पक्का करके रिसन को समाप्त किया जा सकता है। देन क्या है, इकोनॉमिकल इरिगेशन, खेतों की आवश्यकता से अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अर्थात मितवई सिंचाई द्वारा खेतों से होने वाली रिसन कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, जो इरिगेशन की इंटेंसिटी है उसको आप कम कर दें। देन क्या है, देन है बाई क्योंकि क्विक डिस्पोजल ऑफ रेन वाटर, कि जो रेन वाटर है उसका आप ऐसा इंतज़ाम करें वो शीघ्र ही उधर से निकल जाए। तो वही बोला गया सतही या खुली नालियों द्वारा वर्षा जल को क्षेत्र से शीघ्र जितनी जल्दी हो सके बाहर कर देना चाहिए, इससे ये रिसकर भौम जल से नहीं पहुंचने पाता। वर्षा जल द्वारा जल लग्नता की स्थिति से इसे बचने का अच्छा उपाय है कि जो बारिश के द्वारा जो जल लग्नता होती है ये उपाय करके इससे बचा जा सकता है। किसानों को शिक्षित करके, किसानों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि अगर आप
गैर ज़रूरी तौर पर अगर खेतों में पानी का यूज़ करते हैं, इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो वाटर लॉगिंग का इशू आपके खेतों में आ सकता है। उनको वाटर लॉगिंग के बारे में बताया जाए कि क्या क्या फिनोमेना होती है ये, और इसके असरात क्या क्या होते हैं, और इससे किस तरह से बचाया जा सकता है, जो इसके प्रिवेंटिव और जो रेमेडियल जो उपाय हैं बचने के, वो किस तरह से हम फार्मर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। देन क्या है, फसलों का पैटर्न बदल कर, देखें कुछ जहाँ पे जलमग्नता हो वहाँ पे ऐसी फसल लगानी चाहिए जिनका बाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में हो रहा हो, जो मतलब ऐसी फसलें यूज़ करना चाहिए जो वाटर को ज़्यादा कंज्यूम करें। और जिस जो इससे पहले हमने एक जो वाटर साइकिल थी उसमें पढ़ा था, जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो लीव्स के थ्रू जो होता है क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऐसे जो फसलों को हमें वहाँ पे लगाना चाहिए, जिससे जो ये जो वाटर लॉगिंग का इशू है वहाँ पे इसको फिक्स किया जा सके। ठीक है गाइस, तो अब जो जो रेमेडियल की ओर है इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा पहले रीड कर लेना, इसको डिस्कस हम अगली क्लास में करेंगे।